तो गाइस जब भी हम किसी शादी के अंदर जाते हैं तो हमारे हाथ या भीगे हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, होटल हो या कहीं पर भी हो, तो हम लेते हैं टिश्यू पेपर को। मैं आपको दिखाता हूँ टिश्यू पेपर का कमाल। ये लिया मैंने टिश्यू पेपर, अभी आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है टिश्यू पेपर। तो जैसे ही मैं इसके मेरे हाथों के ऊपर लगाया मैंने, ये कुछ इस तरीके से, तो गाइस हमारा जो टिश्यू पेपर होता है वो ऑटोमेटिक ही सिकुड़ जाता है, ये पानी को सोखता है। तो गाइस क्या होगा जब हम गर्मा गर्म तेल के अंदर काफ़ी सारे टिश्यू पेपर को डाल देंगे। तो यार गाइस आई डोंट नो इसका क्या होने वाला है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। और आपके दिमाग में क्या लगता है कि क्या होगा, इतने सारे टिश्यू पेपर को थोड़े ऑयल के अंदर डाल दिया जाएगा वो भी गर्मा गर्म, क्या होगा? चलिए ये तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तो हम करते हैं गैस को फटाफट से ऑन और ऑयल को कर लेते हैं एक बार के लिए गरम। तो गाइस हमारा गैस जो ऑन हो चुका है और हम करते हैं इस तेल को पहले पूरा गरम, उसके बाद में देखते हैं टिश्यू पेपर का क्या होता है। तो गाइस मैं अभी एक टुकड़ा आपको डाल के दिखाता हूँ इसके अंदर। शिट, तो गाइस आप देख रहे हो कि हमारा टिश्यू पेपर है वो कुछ, ओ माय गॉड, इस पूरे को डाल लेता हूँ मैं इसके अंदर और फिर देखते हैं। मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ, सॉरी इस चम्मच को मैं रखता हूँ एक बार के लिए बाहर और इस पूरे को इसके अंदर डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओ माय गॉड, अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे टिश्यू पेपर के ऊपर जो है ऑयल आ रहा है। ओ माय गॉड, पूरे टिश्यू पेपर के ऊपर किस तरीके से ऑयल फैल रहा है। ओ माय गॉड, तो हम एक नहीं बल्कि और इसके ऊपर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कितने टिश्यू पेपर ऑयल इस ऑयल के अंदर जा पाते हैं और अपना तेल को सोख पाएंगे। तो गाइस दो टिश्यू पेपर डाल दिए हमने, अब डालते हैं तीसरा। ओ माय गॉड, देख सकते हो आप। फिर भी गाइस पीछे जैसे ही मैं इसको दूर कर रहा हूँ, इसके अंदर से पूरा का पूरा ऑयल वापिस से आ रहा है। ओ माय गॉड, तो यार गाइस ये पानी को सोख सकता है लेकिन ऑयल को बिल्कुल भी नहीं सोख पा रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं जैसे ही इसको दबा रहा हूँ, इसके अंदर से पूरा का पूरा ऑयल वापिस से बाहर आ रहा है। ओ माय गॉड, तो गाइस टिश्यू पेपर होता है वो पानी को सोख सकता है लेकिन तेल को नहीं। तेल के अंदर भीगा ज़रूर है लेकिन वापस से जैसे ही मैं इसको, देख सकते हो आप, देखिएगा ये यहाँ पे देखो गाइस, मैं जैसे ही इसको दबाता हूँ वापस से टिश्यू पेपर का ऑयल जो है पूरा का पूरा वापस निकल जाता है। तो गाइस मैं अब क्या करता हूँ, इसे अपने हाथों में लेता हूँ पकड़ के, अब आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, मुझे एक दो टिश्यू पेपर और लेने पड़ेंगे। अब आप देखिएगा जी गाइस, आपने देखा किस तरीके से टिश्यू पेपर के अंदर से सारा सारा ऑयल बाहर आ जाता है। पानी के अंदर ऐसा नहीं होता है लेकिन टिश्यू पेपर जब हम गर्म ऑयल के अंदर मिक्स करते हैं या ऐसा कुछ भी होता है तो हमारा टिश्यू पेपर पानी के अंदर जो काम करता है वो गर्म तेल के अंदर काम नहीं करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।